गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अपने रीजनिंग का पहला पार्ट जो कि एनालॉजी का था, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारे ट्रिक्स को समझा था, अल्फाबेट्स की नंबरिंग को समझा था तथा अपोजिट को समझा था। सारी चीजों को बेस को हमने क्लियर कर लिया था, हमने ये देख लिया था कि जो हमारा चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट, ये कैसे लगता है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस के टाइप की, इसमें किस कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं, उन सारे टाइप की बात आज हम आपके सामने यहाँ पर करेंगे। और उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि आपको इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो हम लोगों का चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, यदि आप यूपी बीएड की परीक्षा दे रहे हैं, आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस स्टेनो एसएससी जीडी या बैंक की परीक्षा दे रहे हैं, या यूपी की परीक्षा की बात करें तो आप यूपी पीसीएस देते हैं, लेखपाल देते हैं, यूपीएसआई देते हैं, यदि आप राजस्थान में दे लें या कोई भी परीक्षा दे लें, कोई भी वनडे एग्जाम दे लें, वो सारे एग्जाम्स में रीजनिंग आती है और रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट। इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं और इसके जितने भी टाइप होते हैं मैं उन सारे टाइपों पर आप पे बात करूंगा आज आपसे। चलते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखिए आपसे जो प्रश्न आता है वह प्रश्न किस प्रकार आता है, हमें उसकी देखना है उसे। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है डी आर आई वी टी। आपको पेपर में लिखा रहेगा ड्राइव को ये कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूं। ई टी एल इसे ये कहते हैं, आपको प्रश्न क्या दिया रहेगा इसे ये कहते हैं तो बताओ इसे क्या कहेंगे, या यदि इसे एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो इसे उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, आपका प्रश्न मेरे दोस्तों ऐसे आने वाला है। तो आप सोचिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां आप देखिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं यहां पर प्लस का, किसका काम करेंगे मेरे दोस्तों प्लस का, प्लस नहीं हुआ तो माइनस का, और माइनस भी नहीं होता है तो हम लोग अपोजिट देखते हैं, अपोजिट देखते हैं, क्या देखते हैं अपोजिट। इन तीन चीजों पर हमारी एनालॉजी चलती है, पहला तो है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है अपोजिट, और कई कई बार जो है वो रीऑर्डर हो जाता है, रीऑर्डर, कभी कभी रीऑर्डर में भी हमारी एनालॉजी चलती है। ये सारे टाइप पर हम आपसे बात करेंगे, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यदि हम डी से ई पर आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यहां पर एक प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है डी, क्योंकि तो डी में एक जोड़िए तो डी के बाद ई आ जाएगा तो एक। उसके बाद यदि आर से हम लोग टी में आए तो आर के बाद देखिए आता है एस और एस के बाद आता है टी, मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है मेरे दोस्तों प्लस टू करना पड़ रहा है। यदि हम लोग आई से एल में आते हैं तो आई से एल में आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है प्लस तीन करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है मेरे दोस्तों प्लस तीन, ध्यान से समझिएगा। बी से यदि हम लोग जेड में आते हैं तो हम लोग को प्लस फोर करना पड़ रहा है, आप बी से गिन सकते हैं, V के बाद आता है W, W के बाद आता है S, T, U, V, W, W के बाद आता है X, X के बाद आता है Y, और Y के बाद क्या आता है Z, देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 आ गया तो प्लस 4 हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद E से यदि हम बात करें आ जाए Z पे तो E के बाद देखिए F, G, H, I, J, गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर क्या करना पड़ा मेरे दोस्तों 5 प्लस करना पड़ा। इसका मतलब हमें यह पता चल चुका है कि जो हमारी ये सीरीज है वो कैसे चल रही है, वो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 के फॉर्म में चल रही है। अब यहां पर भी हमें वही करना है, यदि हम b में 1 जोड़ दें
तो क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। ई में यदि हम दो जोड़े, कितना जोड़े मेरे दोस्तों दो जोड़े, ई के बाद एफ और एफ के बाद आता है जी, तो यहाँ जी आ जाएगा। जी में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों प्लस तीन जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा तीन, जी के बाद तीन है एच आई जे, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है जे आ रहा है। उसके बाद यू से आगे चले तो हमें प्लस फोर करना पड़ेगा, तो यू के बाद आगे गिन दीजिए एस टी यू, यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, तो चौथे नंबर पे एक दो तीन और चार, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है वाई आ रहा है। और यदि हम आगे चलते हैं एम पे तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा प्लस पांच करना पड़ेगा, तो आइए एम के बाद गिन देते हैं एम एन ओ पी क्यू और आर, देखिए एक दो तीन चार और पांच, तो पांचवें नंबर पे क्या आ गया हमारा आर आ गया। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों सी जी जे वाई आर। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझ भी सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न था, अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या होगा उसे भी हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है, जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। Y W U S इसे कहता है, हम लोग लिखते हैं Q O M K, इसे ये लिखते हैं हम लोग। तो हमसे पूछ रहा है Z X V T, हमसे पूछा है Z X V T को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमसे प्रश्न कर रहा है। वाई डब्ल्यू यू एस को हम लोग ये लिख देते हैं तो Z X V और T को क्या लिखेंगे। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो Y है और ये Q है, मतलब यहां से यहां जाने में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यहां से यहां जाने में भी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यहां से यहां पर भी कुछ माइनस हो रहा है और यहां से यहां पर भी कुछ माइनस हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि वो माइनस हमारा हो क्या रहा है, हमारा वो माइनस कितना हो रहा है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले या तो आप यहां से यहां जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और यहां से यहां जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपके हाथ में है। तो आइए हम लोग यहां से यहां, क्योंकि प्लस करना आसान होता है, तो यहां से यहां हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां से यहां की बात करेंगे, माइनस की बात करेंगे। या तो एक काम आप और कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए मेरे दोस्त नंबरिंग कर लीजिए। तो वाई आपका आता है 25 पर, W आपका आता है 23 पर, U आपका आता है 21 पर और S आपका आता है 19 पर। तो आइए अब Q की बात करते हैं, तो आपका जो Q है वो आता है आपका 17 पर, कहाँ आता है मेरे दोस्तों 17 पर, और O आपका आता है 15 पर। हमने आपको इजोरिटी बताया था, देखिए E J O T Y, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, इससे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। M आपका आता है 13 पर, M आपका कहाँ आता है 13 पर, और K आपका आता है 11 पर, हमने K की भी ट्रिक बताई थी, देखिए इसमें भी दो लाइन है, एक ये की, इसमें भी दो लाइन है और ये 11 है। सारी ट्रिक हमने आपको पहले वीडियो में बताई है, कि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप इसे सबसे पहले पहला वीडियो देखिए ताकि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां से देखिए 25 से 17 आने में क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर 25 से 17 जाने में माइनस 8 हुआ है, क्या हुआ है माइनस 8। फिर उसी प्रकार 23 से 15 आने में क्या हुआ है, आप कहेंगे माइनस 8। 21 से 13 जाने में क्या हुआ है, आप कहेंगे माइनस 8। और 19 से 11 आने में क्या हुआ है, आप कहेंगे माइनस 8। मतलब हर जगह जो मामला चल रहा है वो माइनस 8 का चल रहा है। यदि आपको ऐसे माइनस करने में दिक्कत है तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए और उसके बाद आप वहां पर उसे माइनस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जेड आपका आता है 26 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, वी आता है 22 पे और टी आता है आपका 20 पे। क्या होता है मेरे दोस्तों, जेड आता है आपका 26 पे, एक्स आता है 24 पे, फिर वी आता है 22 पे और टी आता है 20 पे। आपको 8
यहां से आना है और यहां माइनस कर देना है माइनस एट। जब हम लोग 26 में माइनस 8 करेंगे तो हमारा आएगा 18। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 18। अब आप कहेंगे सर 18 पे कौन सा नंबर आएगा, तो अब आपको बताना है कि 18 पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए टी तो आता है 20 पर, एस आता है 19 पर। आपको याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब एस के पहले क्या आता है तो आप सो गिनिए जल्दी से, जहां से गिन सकते हैं वहां से गिनिए। जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर आर, क्या आता है मेरे दोस्तों आर। तो आर क्या आ गया 18 पे आ गया, तो 18 पे आपको क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। चलते हैं एक्स आता है 24 पर, कहां आता है मेरे दोस्तों 24 पर। और जब 24 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 16। कितना आएगा सॉरी माइनस 8 करेंगे तो यहां आ जाएगा 16। अब 16 पे क्या आता है तो आपको पता है, याद करिए 15 पे तो आता है वो, तो 15 के एक बार आएगा क्या P, मतलब 16 पे क्या आ गया आपका P आ गया। B है 22 नंबर पे। अब यहां से माइनस 8 यदि करते हैं तो 22 में यदि हम लोग माइनस 8 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 14। और 14 के लिए क्या आएगा O आता है 15 पे, आप इसी को याद करना है, ये आता है आपका 15 पे। तो O के बाद आता है P, तो यहां से J K L M N O, तो O के पहले क्या आता है N आता है, तो N आपका कहां आ जाएगा 14 पे आ जाएगा। और यदि हम लोग T की बात करें तो यहां से भी हम लोग को आना है और माइनस 8 करना है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 12। अब आपको पता होना चाहिए कि J से 2 हम लोग और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। और 12 नंबर पे आप लिख सकते हैं क्या आता है हमारा एल आता है, क्या आता है हमारा 12 नंबर पे एल आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आर पी एन और एल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आर पी एन और एल। हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। बहुत ही अच्छे से आपको इसे समझना है और थोड़ी सी भी आपको कहीं दिक्कत होती है, आपको कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा देख लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लस वाला पढ़ लिया पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन पढ़ी माइनस वाली। अब हम लोग अगली कंडीशन पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रश्न संख्या 3 में है। वो अगली कंडीशन हमारी क्या होगी आपको यह बताना है। ए ई I O U, इसे हम लोग लिखते हैं U O I U O I E A E A, इसे हम लोग एक निश्चित पूर्ण भाषा में ये लिखते हैं। तो हमारा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि I J K L M I J K L M को क्या लिखा जाएगा। अब आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ये नहीं कि सिर्फ प्लस और माइनस पे ही रहना है, हमें प्लस माइनस से आगे भी सोचना है। हमने कहा था दो चीजें और हैं, एक हमारा है अपोजिट और दूसरा हमारा है रीऑर्डर। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई चीज रीऑर्डर में चल रही है, तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखा गया है। सबसे पहले देखिए यू है, फिर O है, फिर I है, फिर E है और फिर A है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भी बस यहाँ पर भी इसी ऑर्डर में लिख देना है, मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा M L K J और I, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ये इस ऑर्डर में आपको लिख देना है, ये भी आपको हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इस प्रकार के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। आज का हमारा चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। बी जे सी आई, ये हमारा प्रश्न है, इसे हम लोग लिखते हैं जे बी आई सी, जे बी आई सी, इसे ये लिखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सी एक्स डी डब्ल्यू, इसे क्या लिखेंगे। आपसे प्रश्न करेगा एक निश्चित कोड भाषा में,
इसे ये लिखते हैं तो बताओ इसे उसी निश्चित कोड भाषा में क्या लिखेंगे। तो आपको इसका उत्तर देना है, आप सोचिए, लगाने की कोशिश कीजिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले लिखा है जेपी, मतलब सबसे पहले इसको इस प्रकार लिख दिया गया है। फिर लिखा है आईसी, मतलब फिर इसको इस प्रकार लिखा गया है। पहले इसको लिखा गया है और बाद में इसको लिखा गया। देखिए पहले जे भी लिखा है, ये जे और ये भी ऐसे लिख दिया। फिर आईसी लिखा है, मतलब इसको किस प्रकार लिख दिया। हमें भी ऐसे ही करना है, पहले हमें इसको फर्स्ट नंबर पे एक्स और सी लिखना है, लिख दीजिए। दूसरे नंबर पे हमें इसको लिखना है और डब्ल्यू और डी लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्तों? डब्ल्यू और डी। और ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। आज का हमारा पांचवा प्रश्न होगा हमारा अगला प्रश्न। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो होगा हमारा वो होगा ए बी सी डी। इसको लिखा है बी सी डी ए। अगला इसका पूछेगा एक निश्चित कोड भाषा में इसे हम ये लिखते हैं, तो हमसे पूछ रहा है x y z a। इसे उसी निश्चित कोड भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, आपको हमें इसका उत्तर यहाँ पर देना है। अब आप सोचिए और इसका उत्तर हमें देने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर आपका क्या होगा। तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए इस एक उठा के आखिरी में रख दिया है, एक उठा के कहां रख दिया है? आखिरी में। तो हम लोग x को भी यहां से उठाएंगे और x को एकदम आखिरी में यहां पर रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए बी सी डी किस तरीके से चलाया है, और यहां पर देखिए बी सी डी इसी तरीके से चलाया है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको भी इसी तरीके से चला देना है। y z और a क्या चलाना है? y z a, और ये x तो वहां पर हो ही गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर हम लोग चलेंगे आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एनालॉजी में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने कुछ और प्रश्नों पे, देखते हैं वो सब प्रश्न हमारे क्या हैं। अगला जो हमारा आज का छठवां प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ए सी ई डी, अगला हमारा प्रश्न है ए सी ई और जी। इसे कहता है, वो लिखता है जे एल एन पी। क्या लिखता है? जे एल एन पी। इसे ये लिखता है, तो हमारा अगला प्रश्न है इसमें बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। इसे उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? आपसे प्रश्न हमारा है कि ए सी ई जी को एक कोड भाषा में ये लिखते हैं, तो बी डी एफ एच को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? ये हमारा आपसे प्रश्न है। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर सोचना है और सोचकर हमें इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। तो मेरे दोस्तों सोचिए और लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ न समझ में आए तो नंबर ही करिए, एक तीन पांच और सात, इसकी नंबर ही करिए। अब जे कितने नंबर पे आता है, अब आपको सोचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो जे कितने नंबर पे आता है, तो इसके लिए आप इसे लिख सकते हैं, ये है पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस। तो जे आता है आपका दस नंबर पे, कहाँ आता है? दस नंबर पे। एल आपका आ रहा है जे के बाद के और एल, मतलब बारह नंबर पे आ रहा है। एन आपका चौदह पे आता है और पी आपका सोलह पे आता है, क्योंकि ओ के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों? पी आता है। तो पंद्रह के बाद क्या हो जाएगा?
16 आ जाएगा। इन सारी चीजों को याद करिए और कोशिश करिए समझने की कि कैसे किसकी नंबरिंग होती है। अब आइए, 1 से 10 यदि हम लोग गए हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ा है, +9 करना पड़ा है। 3 से यदि 12 गए हैं तो +9 करना पड़ा है। 5 से यदि 14 गए हैं तो +9 करना पड़ा है। और यदि 7 से 16 गए हैं तो +9 करना पड़ा है। अब आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। तो B आता है 2 पे, D है 4 पे, F है 6 पे और H है आपका 8 पे। यदि हम 2 में 9 और जोड़ देते हैं, +9 तो आता है 11। तो 11 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप फिर से याद करके EJOTY। जे जे आता है 10 में तो जे के बाद आता है के और के आपका आएगा 11 में। 4 में यदि हम 9 जोड़ दें, 4 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाता है 13। क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, 13। और 13 आता है एम पे, कहां आता है मेरे दोस्तों, एम पे। यदि 6 में हम लोग 9 जोड़ दें तो आता है 15। 6 में क्या जोड़ना है दोस्तों, 9 जोड़ना है, तो आ जाएगा कितना हमारा 15। और 15 नंबर कहां आता है, ओ पे आता है, आप इसे बता सकते हैं। और H में यदि हम लोग 9 जोड़ दें, 8 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 17। और 15 के बाद 16 और 17 यदि लाना है तो आएगा हमारा Q। क्या आएगा मेरे दोस्तों, Q। तो K, M, O और Q ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये जो आपकी सीरीज चल रही है ये +9 +9 पर चल रही है, तो आप इस सीरीज को भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलते हैं हम लोग आज के अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अगला प्रश्न होगा, आप लोग उसे भी ध्यान से समझेंगे। चलिए अब आते हैं ACF। ये हमारा 7वां प्रश्न है। ACF को कहता है ZXU लिखते हैं, ZXU लिखते हैं, तो हमसे पूछ रहा है FHJ को हम लोग क्या लिखेंगे। अब आपको बताना है मेरे दोस्तों कि ACF को यदि हम लोग ZX और U लिखते हैं तो FH और J को हम लोग क्या लिखेंगे। अब आपको सोचना है और आपको हमें बताना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि Z जो है ये A का उल्टा है, मतलब अपोजिट है। C जो है ये X का अपोजिट है और F जो है वो U का अपोजिट है। F क्या है मेरे दोस्तों, U का अपोजिट है। अब ठीक उसी प्रकार F का अपोजिट आपको देखना है और F का अपोजिट आपको मिल जाएगा U। आप आएंगे S H पर, तो H का अपोजिट आपको मिलेगा S मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, S मिलेगा। और J का अपोजिट यदि आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा Q। मतलब यहाँ जो हमारा श्रेणी चल रहा है वो चल रहा है अपोजिट पर। किस पर चल रहा है मेरे दोस्तों, अपोजिट पर। तो आपको यदि अपोजिट याद है तो आप इसे कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।